दोस्तों वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ ब्लॉगिंग सीरीज पार्ट वन चैप्टर वन। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जानेंगे ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग का ओवरव्यू, टोटल ब्लॉगिंग को समझेंगे। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे, प्रैक्टिकल लाइव प्रूफ के साथ सीखेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्लॉगिंग क्या है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जिसके ऊपर काम कर रहे हो कैसे वर्क करते हो, उसका प्रोसेस क्या है, एक समरी से आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो जो हो रहा है। तो सबसे पहले जो मेन क्वेश्चन आता है, ब्लॉगिंग आखिर है क्या? देखिए, ब्लॉगिंग एक सिंपल सा फंडा है, वेबसाइट मेकिंग एंड अर्न मनी। ऑनलाइन में वेबसाइट बनवाइए और मनी जो है अर्न करिए, इनकम करिए, यही है सिंपल ब्लॉगिंग, ठीक है। और वेबसाइट कैसे बनाते हैं, देखिए फ्री में तो मिलता है ब्लॉगर का, गूगल का ब्लॉग स्पॉट, उधर में आप लोग फ्री में कर सकते हैं। और ये जो कंप्लीट सीरीज होगा ये सिर्फ ब्लॉग स्पॉट पे ही होगा, फ्री जो होस्टिंग के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको जो एक डोमेन ऐड करना होता है और होस्टिंग जो है ब्लॉगर ही देता है, गूगल का प्रोडक्ट ही देता है। और सिंपली उधर में आप पोस्ट डालते हुए आपका जो रैंकिंग बढ़ाते हुए आपका रेवेन्यू मिल जाएगा। और रेवेन्यू कैसे हम लोग पाएंगे, रेवेन्यू देने के लिए गूगल का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एडसेंस, गूगल का ही है। उसका एक ऐड लगाना पड़ता है, उसका कोड आता है जो आपका वेबसाइट में डालेंगे तो आपका जो रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ठीक है। उसके ऊपर भी धीरे धीरे आएगा आगे आने वाले सीरीज में, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे ब्लॉगिंग के टॉपिक के, एक ओवरव्यू, ब्लॉगिंग का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लॉगिंग हम लोग किससे कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ब्लॉगिंग हम लोग जो है फ़ोन से कर सकते हैं, लैपटॉप किसी से भी हम लोग कर सकते हैं। बिगिनर के लिए रिकमेंड करूंगा फ़ोन से करिए, ठीक है, एकदम सिंपल है। बहुत सारे लोग फ़ोन से करते हैं अभी भी, जिसका लाखों कमाते हैं वो भी फ़ोन से करते हैं, बहुत सारा कोई दिक्कत वाला बात नहीं, एकदम इजी है। सिर्फ आपको जब फेसबुक में पोस्ट लिखते हैं ना, पोस्ट लिखे हम लोग कभी कभी पब्लिश करते हैं, कुछ कहानियाँ छोटा कुछ लिख देते हैं फेसबुक में, सेम टू सेम ब्लॉगर में ही करते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा एसईओ, थोड़ा कुछ और एक्स्ट्रा सीखना पड़ता है राइटिंग को छोड़ के, ठीक है। और एक बात आप ध्यान में रखिए, ब्लॉगिंग में कंटेंट ही किंग है, ये बात आप ध्यान में रखिए, समझ लीजिए अच्छे से। कभी भी चोरी में शॉर्टकट ट्रिक में नहीं जाना है, आपको ऑलवेज कंटेंट के ऊपर फोकस करना। अच्छे से एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें अगर एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए जैसे आप लिखते प्रैक्टिस करते हो, ऐसा ही आप लोग ब्लॉगर में करिएगा। और एक जो बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा बहुत सारा मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स करके, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ ब्लॉगर वर्डप्रेस जो कुछ भी है। लेकिन ये बात आपको जान लेना ज़रूरी है कि टिप्स एंड ट्रिक्स करके ऐसा कोई भी कुछ नहीं होता है, जी हाँ कोई भी कुछ नहीं होता है। जितना ब्लॉगिंग सीखेंगे उसके ऊपर स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, आपको अलग अलग रास्ता मालूम हो जाएगा, ठीक है। आप अलग अलग रास्ता को जो है डिस्कवर करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो टिप्स एंड ट्रिक्स करके कुछ नहीं है, जो करता है, जो प्रैक्टिकली सीखता है वही हम लोग जो बताते हैं, जो ऐसा करके होता है। और ऐसा करके जो हर जगह पे नहीं होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर मुझसे हुआ है तो आपको भी ऐसा होगा, इसका कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसे हुआ है मतलब हुआ है, आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ, आपका भी हो सकता है। लेकिन हम लोग कभी भी श्योरिटी, कोई भी बंदा जो श्योरिटी नहीं देख सकता कि ये जो काम डेफिनेटली करेगा, लेकिन कर सकता है। उसके लिए ये जो काम करेगा कि नहीं, ये जानने के लिए आपको बेसिक जानना जरूरी है, जो इस वीडियो में मैं अभी बता रहा हूँ या बताऊंगा। तो चलिए समझ में आ गया कुछ इंपॉर्टेंट बात, कंटेंट की है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता है, आप करते जाएगा सीखते जाएगा और आपको अलग अलग रास्ता, अलग अलग जो एरिया आपको मालूम होते जाएगा ब्लॉगिंग के फील्ड में, ये बात आप ध्यान में रख दीजिए। और कोई भी शॉर्टकट ट्रिक में कभी भी आपको नहीं जाना है, अगर आप लॉन्ग टर्म में ब्लॉगिंग को अचीव करना चाहते हैं तो मेरा हाईली रिकमेंडेड रहेगा कि चीज़ों को समझिए, सीखिए, उसके बाद इंप्लीमेंट करिए। कोई भी शॉर्टकट ट्रिक को किसी को देख के इंप्लीमेंट करिए मत करिए। और कुछ भी आप देख रहे हैं सुन रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करिए कि ये सही है कि नहीं है। किसी का भी आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आप लोग कृपया करके उसके ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद ही इंप्लीमेंट करिए। हालांकि मैं ब्लॉगिंग का पूरा जो है पार्ट इस 7 एपिसोड में 7 जो चैप्टर होगा आगे आने वाले वीडियो में उसमें कवर कर दूंगा। आशा करता हूँ ब्लॉगिंग से लेके बेसिक जो टॉपिक है, बेसिक जो क्या होता है ब्लॉगिंग, समझ में आ चुका है। एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाया हूँ। इसके बाहर भी अगर क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स इनेबल है, उसको कमेंट करिए। हर जो सीरीज होगा, हर जो चैप्टर होगा, चैप्टर के बाद लास्ट में 2-3 मिनट 4 मिनट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे उसका जो सोल्यूशन मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यही था ब्लॉगिंग का एक ओवरव्यू समरी। आपको शायद आइडिया मिल चुका है ब्लॉगिंग कैसे होता है, कैसे हम लोग अर्न करते हैं। सिंपली वेबसाइट बनाइए, गूगल में लगाइए और उसको एडसेंस के मदद से अर्न करिए। ये सिंपल है ब्लॉगिंग को, अगर 1-2 शब्द में हम कहना चाहते हैं तो
यही है ब्लॉगिंग का मेन फंडा, इसके बाहर कुछ नहीं है। और ये जो प्रोसेस है इसको करने के लिए कुछ चीज़ें हम लोगों को सीखना ज़रूरी है, ठीक है, जो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, आगे आने वाले इस सीरीज में सीखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही था, ठीक है, ब्लॉगिंग का एक ओवरव्यू था। आशा करता हूँ आपके ऊपर जो है क्वेश्चन जो था क्लियर हो चुका है, पूरा आंसर आपको मिल चुका है। प्रॉब्लम रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आके पूछिए, क्योंकि आप देखेंगे सीखेंगे तो आपका प्रॉब्लम ज़रूरी रहेगा। अगर प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब जो है आप सीख नहीं रहे, नहीं तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होता है ब्लॉगिंग सीरीज पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।